Hello, Bachcha Party. Welcome to my class, Physics by Sachin Sir. The finest and the easiest way to learn the concept. The only channel where you can feel the concept and then you realize that you are in love with the physics. So we have started a new series on this channel and this is all about 11th class. And we have finished rotational motion. We have finished thermal properties of matter. So it's time to start a new lesson. And all this lesson that I'm uploading continuously is really going to be beneficial for the upcoming exam, that is your NEET or JEE. So this class is all about new chapter and this is thermodynamics. And this will be the key point. Watch the video till the end to learn the entire concept. That is a little bit definition thermodynamics ke bare mein. Fir ek bahut hi important derivation hum karne wale hain, that is work done for the isothermal process. And at the end, I will explain how to use this formula for the calculation based on the graph, right? So for the 12th class students, I have already launched a crash course on Unacademy, which is absolutely free. Continuously, मैं उसमें 25 days तक आप लोगों के लिए दो lesson add कर रहा हूँ. आपको अगर community में message मिल रहा होगा तो पता ही होगा. और वैसे भी मैंने यहाँ पर description में उसकी link दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाके quick revision कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है, right? और प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं. अगर डिटेल में स्टडी आपको चाहिए तो यूट्यूब पर सारे उसके वीडियोज अवेलेबल हैं. तो बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट द क्लास. So the first thing which comes in our mind is that what is thermodynamics? So let me answer this question, what is thermodynamics? But before I answer this question, I should ask another question. Have you ever heard about kinematics, or have you ever heard about dynamics, or have you ever heard about fluid mechanics? Because if you already know about kinematics, if you already know about dynamics, and if you already know about fluid mechanics, then it is very easy to understand the concept of the thermodynamics. क्योंकि ये जितने भी मैंने नाम लिए अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब के सब हैं क्या? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा ज्ञान चाहिए तो उसका पूरा ब्रांच ही बना हुआ है. काइनेमेटिक्स में आप मोशन के बारे में स्टडी करते हो, विद रीजन विदाउट रीजन हो सकता है, डायनेमिक्स के साथ ऐसे विद रीजन विदाउट रीजन. फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हो कि कैसे बर्नौली का प्रिंसिपल वर्क करता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज़ लैमिनार फ्लो, ऑल दैट पॉइंट्स आर देयर. हालांकि मैंने अभी तक 11th की इतनी सीरीज बनाई नहीं है और वो सारे चैप्टर अभी अपलोड करने हैं, बट वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे. बट थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना है तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो ये आपको पता होगा ही. तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स से पहले ये काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और ये सब फिजिक्स की एक ब्रांच है बच्चा पार्टी, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डील अबाउट हीट. हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. और इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि आप इस चैप्टर के साथ ना अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे. वैसे सारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वो कनेक्ट करने के लिए ही बने हैं. अगर आप कनेक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ते हो, रट्टाफिकेशन पे जाते हो, तो मज़ा नहीं आता फिजिक्स में, ठीक है? बट डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने इमेजिन करके स्टार्ट कर दिया ना, 11th के अभी स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो 12th वालों को पता ही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है. क्योंकि इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि कैसे हीट इंजन बनता है, वट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दैट हीट इंजन, उसका बेसिक्स. अगर आपने बेसिक्स सीख लिया तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? कैसे रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करता है, किस तरह से हीट को वो प्रोपिगेट करवाता है, कहाँ से वो टेम्परेचर को, कहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है, क्या सिस्टम है, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग चैप्टर, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं लिटिल बिट डेफिनेशन से, एक बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन पर जाएंगे. सी, देर इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग. वेरी इजी. System is like a classroom full of students. What I'm saying is that system is like a classroom full of student. और सभी student के पास कुछ ना कुछ energy होती है. उसी तरह से बच्चा party gas का system है, molecules का पूरा system है, gas का molecules है. तो उसके पास भी ना कुछ okay बच्चा party, तो gas का जो molecules था उसके पास भी मैं कह रहा था कि प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है. तो वो जो असेंबली है, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो अब हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको. वर्क डन फॉर द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि कितना वर्क हुआ सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के थ्रू. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है. इस चीज़ को समझना है थर्मोडायनेमिक्स में, बिकॉज बहुत ही कन्फ्यूजन होता है. केमिस्ट्री में भी आप ऐसा पाएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो उसे अगर समझना है ना, तो ये वाला जो मॉडल है उसे आप अपने दिमाग में फिट कर लो, कहीं पर भी लाइफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है. तो देखिए, यहाँ पर एक सिलेंडर है,
ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं पिस्टन है, एडजस्टेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे कर सकता है, और इसके अंदर हमने गैस भरी है, वो गैस आइडियल गैस है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस? आइडियल गैस वो है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, या फिर आप एन आर टी भी कह सकते हैं, वेयर व्हाट इज पी प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर कैलविन, एंड टी इज द टेम्परेचर। तो इसके अंदर आइडियल गैस है, अमाउंट ऑफ दैट गैस इज म्यू मोल ऑफ गैस, एंड हियर वी हैव हीट सोर्स, एक हीट का सोर्स है जिसमें से कंटिन्यूसली हीट आ रही है, राइट? अब ये हीट के आने से होगा क्या, इस हीट के आने से क्या होगा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड देन इट विल बी एक्साइटेड। जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब एक्साइटेड होंगे तो फिर वो सीधा इसको प्रोपिगेट करेंगे, इस सिस्टम को प्रोपिगेट करेंगे, मतलब कि पिस्टन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, लाइफ टाइम तक ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो लाइफ टाइम तक ऊपर जाने का सवाल ही नहीं उठता, वो ब्लास्ट हो जाता, ठीक है? इसी चैप्टर में आप सीखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ होता है जो बताता है कि कंटिन्यूअसली आप एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। तो हमने कुछ एनर्जी जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब हीट का प्रोपिगेशन जब हो रहा है, यहाँ पर गैस का एक्सपांसन हो रहा है, तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय दिस सिंक। तो जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा तो इसका जो हीट है वो क्या होगा, रिलीज हो गया। हीट रिलीज होने से इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर से ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि एक बार आपको प्रेशर को इनक्रीज कर दिया आपने, फिर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, और फिर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ में वॉल्यूम में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो देयर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के साथ प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन दिया था, ना मैंने दिया था ना आपने दिया था, बट एक बहुत फेमस बाबा है, बॉयल बाबा। तो बॉयल बाबा ने ये कहा था कि भाई टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दो तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मीन्स वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, देखिए वॉल्यूम जितना बड़ा होगा प्रेशर इसका कम होगा, क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या, कंप्रेशन नहीं हो रहा है। अगर नीचे आ जाता है पिस्टन, नीचे आ जाता है तो वॉल्यूम कम हो गया, और अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और जहां पर भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, सच टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो भी हम सीखने वाले हैं वही आपको करना है। तो आई होप कि आपको मॉडल समझ में आ रहा होगा, नीचे हीट सोर्स, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, प्रोपिगेशन होगा, गैस का एक्सपांसन हुआ, पिस्टन ऊपर गया, फिर रिलीज हो गया कुछ हीट बाहर, फिर उसका प्रेशर कम हो गया, तो वो पिस्टन फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, अप डाउन मीन्स एक मैकेनिज्म आपको मिल गई, और वो मैकेनिज्म ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर आप यहाँ पे एक व्हील लगा देंगे, चक्का लगा देंगे, पहिया लगा देते हैं, तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है, और फिर आप उससे बहुत सारे वर्क ले सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, तो हम कर ये रहे हैं कि हम इस हीट का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, इस हीट का कन्वर्जन हम इस मैकेनिकल एनर्जी में कर रहे हैं, क्योंकि पिस्टन नीचे ऊपर कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो पिस्टन के अप एंड डाउन करने से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, तो हम उस हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि जब ये हो रहा है तो इस पिस्टन पे कितना वर्क हुआ, मतलब इस सिस्टम पर कितना वर्क हुआ, क्या सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम के थ्रू वर्क हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। और वो वर्क का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे निकालेंगे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए अब बात करते हैं इसका ग्राफ, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उसके अंदर ये कुछ इस तरह की ग्राफ बनती है। रियली सॉरी बच्चा पार्टी, आज कुछ प्रॉब्लम है मेरे सेलफोन में, हमेशा इसी से रिकॉर्ड करता हूँ बट पता नहीं क्यों बीच बीच में रुक जा रहा है। तो अगर लगे अचानक से मैं दिख रहा हूँ तो समझ जाना कि मैंने एडिटिंग की है, क्योंकि आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कम से कम 15 टू 16 टेक ले चुका हूँ बार बार इसी प्रॉब्लम की वजह से। देखिए दिस इज़ अ ग्राफ, आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राफ है दिस इज़ फॉर प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम। तो मैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लिखता हूँ ज़ीरो, हम ज़ीरो से इस तरफ जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये VF, सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं VI, और फिर उसको लिख देते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे दिस इज़ VF, एंड फॉर द VI
This point is known as PI, initial pressure, and this point is known as PF, that means final pressure. अब जरा आप बात समझिए, आप जीरो से उस तरफ जा रहे हैं. जीरो से अगर आप उस तरफ जाते हैं, तो अगर आप जीरो से इस तरफ जाते हैं तो आपकी वॉल्यूम क्या है, बढ़ रही है. वॉल्यूम अगर बढ़ रही है, इसको मैं VF लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ पड़ेगा. दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज़ इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर. तो यार बच्चा पार्टी, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप जीरो से उधर जा रहे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर. पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स ईजिली प्रोपेगेट हो सकते हैं, और अगर वो ईजिली प्रोपेगेट हो सकते हैं, फैल सकते हैं, तो उनका प्रेशर कम होगा. मतलब कि जहाँ पे VF जीरो से बहुत दूर है, वहीं पे देखिए जीरो के बहुत नज़दीक प्रेशर है, तो प्रेशर कम है. और इनिशियली मैं देखूँ, इनिशियली ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर बढ़ा, बाद में स्टार्टिंग में तो वो यहाँ पे था. अगर वो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम है. देखिए जीरो के नज़दीक में है तो वो यहाँ पर है पिस्टन, और अगर यहाँ पर है तो वॉल्यूम कम है. वॉल्यूम कम है तो कंप्रेशन ज़्यादा है. कंप्रेशन ज़्यादा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, अल्टीमेटली ज़्यादा हो गया, राइट. अब अगर प्रेशर आ रहा है तो बेसिक सोचो कि प्रेशर का रिलेशन फोर्स के साथ है क्या, तो बिल्कुल है. प्रेशर इज इक्वल टू वॉट, तो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, हैंस एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए. क्लियर हुआ यहाँ तक? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया. तो अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास में फोर्स है, तो फोर्स से बॉडी का क्या होता है, कम ऑन. कहीं पर भी फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. मतलब यही वाला जो फोर्स है इस प्रेशर की वजह से, वही प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई, उसी ने पिस्टन को अप किया है. तो अगर पिस्टन अप हुआ है, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है. सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने लिखा डेल्टा एक्स, दैट इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो अब अगर मुझे वर्क डन फाइंड करनी है, तो आई विल राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, डेल्टा एक्स द स्मॉल एलिमेंट. तो पहले वो डी एक्स है, ऐसा भी आप डेल्टा भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, यही आपको चाहिए. तो अब हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखी, पी ए and then dx. This is area and this is displacement. And we know that area multiplied by displacement or area multiplied by height, that is volume. But यहाँ पर a dx होने की वजह से I will write p and then dv, and this is what dw. अच्छा dw is equal to pdv हो गया. How to find w from dw? You have to do integration, और तो कोई option ही नहीं बचता है. तो यहाँ पर हमने integration किया, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे. तो जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी डब्ल्यू का रिजल्ट क्या हो गया, दैट इज डब्ल्यू. एंड देन इंटीग्रेशन व्हाट, पी डी वी. अब इंटीग्रेशन पी डी वी में आपको पी को भी रिमूव करना है, तो यू शुड यूज दिस इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, एंड दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, राइट. अब बच्चा पार्टी, यहाँ से प्रेशर को आप एलिमिनेट करिए, प्रेशर को सब्जेक्ट बनाइए, तो P इज इक्वल टू आता है म्यू आर टी अपॉन V. जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द अबव इक्वेशन, यू विल गेट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू आर टी अपॉन V एंड देन dV. तो अब यहाँ पे म्यू आर टी अपॉन V dV में D के राइट साइड में क्या है, तो D के राइट साइड में V है. तो जब भी D के राइट साइड, ओके बच्चा पार्टी, तो हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं पी के जगह पर. आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, प्रेशर को सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो जाएगा म्यू आर टी अपॉन वी. तो यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जब आप रखेंगे म्यू आर टी अपॉन वी, तो देखिए डी के राइट साइड में वी है. जब भी आप इंटीग्रेशन करो या फिर आप डिफ्रेंशिएशन करो, तो आपको हमेशा डी के राइट साइड में देखना है. तो उन्हीं टर्म्स का ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, बाकी सारे टर्म्स विल बी आउटसाइड. तो म्यू आर टी बाहर आ गया, अंदर बचा वन अपॉन वी डी वी, और इसका रिजल्ट होता है मैथमेटिकल इक्वेशन इंटीग्रेशन का, कि वन अपॉन एक्स डी एक्स इज एल एन एक्स. एल एन क्या है, तो एल एन होता है नेचुरल लॉग, जैसे लॉग एंटी लॉग वैसे ही एल एन. बट एल एन कभी भी हो तो उसे अगर आप रिमूव करके लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो सी वन अपॉन वी डी वी में ये जो लिखा है मैंने, दिस इज लोअर लिमिट, क्योंकि वी आई है लोअर लिमिट, वी आई से वी एफ, और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम. तो यहाँ पर जब आप फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे तो वी एफ माइनस वी आई, और माइनस कभी भी लॉग में होता है तो वो रेशियो बन जाता है. और फिर मैंने इस एल एन को रिमूव किया तो 2.30 थी. एट द एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, W इज इक्वल टू म्यू आर टी 2.303 लॉग वी एफ.
अपॉन वी आई. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है. ओके बच्चा पार्टी, अब सी वो केस जो केस बहुत लोगों को परेशान करता है, उस चीज़ को हम फीलिंग के साथ स्टडी करते हैं, इमेजिनेशन के साथ स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे ये मेरे पास सिलेंडर है. गैस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, राइट. उसमें गैस भरा हुआ था. दो तरह की सिचुएशन मैंने आपको समझाई वर्क डन निकालने के बाद. एक केस वन लिखा है एक्सपांसन ऑफ द गैस. जरा सोचिए एक्सपांसन ऑफ द गैस में पिस्टन कहाँ होगा. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बने ना इस तरह का वर्क डन का, तो आप ये जरूर सोचिए कि एक्सपांसन है कि कॉम्प्रेशन है. एक्सपांसन है, तो एक्सपांसन में पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा. तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. इसलिए वी एफ ग्रेटर देन वी आई है. अब अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ी है, इनिशियल वॉल्यूम छोटी है, तो देखिए फाइनल को मैंने 10 कंसिडर किया, इसको 5, तो ऑब्वियस है यार 10 माइनस 5 करेंगे तो रिजल्ट इज व्हाट, पॉजिटिव. तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर द एक्सपांसन ऑफ द गैस. और जब ये एक्सपांसन हो रहा है तो क्या पिस्टन अपने आप गया? नहीं, पिस्टन को लेके गया. कौन लेके गया? ना मैं ना आप, बट इस सिस्टम के थ्रू वर्क हुआ, गैस उसको लेके गई है. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है बाय द गैस, बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू वर्क हुआ है. सी द सेकेंड केस, कंप्रेशन ऑफ द गैस. पिस्टन का पोजीशन नीचे, पिस्टन नीचे आ रहा है तो हो क्या रहा है, पिस्टन जब नीचे आ रहा है तो गैस का कंप्रेशन हो रहा है, यानी गैस पे ही वर्क हो रहा है. और अगर वो नीचे आया है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुई, फाइनल वॉल्यूम कम हो गई, वी एफ लेस देन वी आई. ये 5, ये 10, 5 - 10 आंसर माइनस, वर्क डन इज नेगेटिव. और पिस्टन नीचे आया तो गैस पे काम हुआ, ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो यहां पर ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस, और ये बाय द गैस, बाय द सिस्टम. हाँ, तो अब बच्चा पार्टी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो थर्ड वाला प्रोसेस है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ग्राफ, उसके लिए मुझे चाहिए टाइम. और टाइम है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में आपको बोला कि 15 से 16 बार मैं एडिटिंग कर चुका हूँ, बार बार रीटेक कर रहा था. और अब अगर मैं फिर से लूँगा तो मेरा सेलफोन जवाब दे चुका है. तो अब मुझे लाइव क्लास भी लेनी है तो टाइम नहीं है, इसीलिए हम आज विदा ले लेंगे आपसे. बट पक्का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट इसी से करेंगे, थर्ड वाले पॉइंट से. तो माफ़ी चाहेंगे कि मैं थर्ड वाले पॉइंट पर आज नहीं जा पाऊँगा. आप ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट. आपको पता भी चल रहा होगा बीच में मैंने 2-3 बार कट किया है, क्योंकि बार बार वीडियो अपने आप बंद हो जा रहा है. ठीक है, तो जल्दी से बोल देता हूँ अपना ट्रेडमार्क. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू.